सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मुस्कुराहट पर तो हजारों फिदा हो जाते हैं, तलाश उनकी करो जो आंसुओं का हिस्सेदार बनी। जिंदगी में एक किस्सा गजब का देखा, जिंदे को डूबता और मुर्दे को तैरता देखा। यदि जीवन में खुश रहना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दो। बड़े सपने देखे हैं तो मुश्किलें भी बड़ी पार करनी पड़ेगी। आज का पंचांग 25 सितंबर 2024 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, शाम 6:12 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र शाम 6:49 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन के सबसे अशुभ समय शाम 4:55 से 6:26 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:46 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 5:44 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। आप सभी को ओणम की शुभकामनाएं। कन्या राशि 15 सितंबर 2024 दिन रविवार, इस समय लोग आपके बेहतरीन विचारों को सुनने जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपको अब उनसे जो भी बात मनवानी है आप आसानी से मनवा सकते हैं। इसके लिए कोई कसर ना छोड़े, अपने अधिकार जताने की प्रवृत्ति को नियंत्रण में रखें, यह आपके खिलाफ जा सकती है। अपना दिमाग खुला रखें, आपको किसी करीबी से कोई अप्रत्याशित खबर भी मिल सकती है। अभी आपके दिमाग में घर या कार की मरम्मत जैसे विचार चल रहे हैं। अपने माता पिता या माँ जैसे किसी स्त्री की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ रहने और कामों को व्यवस्थित करने के लिए परिवार के साथ समय बिताइए। घरेलू मामले खुशी लाएंगे और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। आज अनंत संभावनाएं मिलेगी और आप जरूरत से ज्यादा मजा करने वाले हैं। परिवार से जुड़े रहने के लिए उनके साथ नाटक, डांस और अन्य मनोरंजक गतिविधियों में व्यस्त रह सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके खोजेंगे। मनचाहे चीज एक रात में नहीं मिलती, इसके लिए कई साल मेहनत करनी पड़ती है। खुश हो जाएं क्योंकि अच्छा समय आने वाला है और आप स्वयं में अतिरिक्त ऊर्जा का अनुभव करेंगे। व्यापार में आज अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां भी दे सकते हैं। पारिवारिक तनाव को अपना ध्यान भंग ना करने दें। खराब दौर हमें बहुत कुछ देता है। जो लोग अब तक सिंगल हैं, उनकी मुलाकात आज किसी खास से होने की संभावना भी है, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले यह जरूर जान ले कि कहीं वो व्यक्ति किसी के साथ रिश्ते में ना हो। खाली समय में आज आप अपने मनोबल पर मोबाइल पर वेब सीरीज देख सकते हैं। कोई पुराना दोस्त आपके और आपके जीवन साथी की साझा यादों को तरोताजा भी कर सकता है। आज घर पर रहेंगे लेकिन घर की उलझने आपको परेशान कर सकती है। घर में मेहमानों का आगमन होगा जिसकी वजह से आप दैनिक कार्यक्रम में भी परिवर्तन करेंगे। अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार दिन व्यतीत होगा। महत्वपूर्ण संपर्क और संबंधों का दायरा भी विस्तृत होगा। कठिन समय में खुद को प्रेरित बनाए रखें। लोगों के साथ मिलने के बाद भी नकारात्मकता रह सकती है। काम अपेक्षा के अनुसार पूरा होगा लेकिन लालच से बचना होगा। काम से संबंधित निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय लेने की गलती ना करें। पार्टनर के साथ संयम बनाए रखें। बदन दर्द और थकान हो सकती है, ख्याल रखें। आपको नौकरी को लेकर अच्छा ऑफर मिलने की संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर यदि कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आपके मित्र आपके काम में आपका पूरा साथ देंगे। आपके परिवार में किसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने की आवश्यकता है। संतान किसी गलत राह पर चल सकती है, आपको उनकी संगति पर विशेष ध्यान देना होगा। सावधानियां, घर अथवा वाहन को लेकर कोई बड़ा खर्चा सामने आएगा। अनावश्यक गतिविधियों में भी दिन का अधिकतर समय व्यतीत हो जाएगा जिसकी वजह से अपने और अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। आपको नजदीकी मित्र को कोई पैसा उधार देना पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की।
घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेमी प्रेमिका का आपसी सामंजस्य तथा भावनात्मक लगाव मजबूत रहेगा। आप इस समय अपनी खुशी शारीरिक संबंधों में तलाश कर रहे हैं। कोई खास और अंतरंग आपके आसपास है और आप उसके आकर्षण से बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। जिन फलों को खाने की मनाही होती है उन्हें हजम करना आसान नहीं होता। यह तय कर ले कि आपकी इस मजे और साहस भरे अनुभव के परिणाम के रूप में आपको बाद में कोई परेशानी ना होने पाए। यह समय घरेलू मामले जैसे घर की मरम्मत या नौनीकरण में आपका अधिकतर समय बीतेगा। अपनी चाहत को यादगार बनाने के लिए कुछ खास करें, जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना या अपने साथी के पसंद का खाना बनाना। बस जीवन का मजा लेने के लिए जुए और गलत आदतों से दूर रहें। आपका प्रेम में जीवन सच में सुखदायक और स्नेहशील है। आप अपने दोस्तों परिवार और जान पहचान के लोगों को प्रेरित करते हैं। अगर एक सच्चे साथी की तलाश कर रहे हैं तो खोज आज खत्म होती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो आपका साथ केवल इस जन्म में नहीं बल्कि अगले 7 जन्मों तक देगा। बात करते हैं करियर की। आपकी सितारे इस समय बहुत उच्च हैं, जहां आप हर क्षेत्र में शांति और सुकून महसूस कर रहे हैं। जमीन जायदाद खेत इमारत आदि भविष्य में आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएंगी। याद रखें, धन कमाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आज काम से ब्रेक लेकर कुछ नया करने के लिए आज बेहतरीन दिन है। आप परिवार में कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं और तारीफ बटोर सकते हैं। अन्य दिनों की तुलना में आज का दिन अच्छा है, जिसमें आपके लिए अनंत संभावनाएं हैं। अगर आप मेहनत करने से नहीं डरते तो निश्चिंत रहें, क्योंकि अच्छे परिणाम आपका इंतजार कर रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत उल्लेखनीय होगी। आपको पदोन्नति या नई जिम्मेदारी की पेशकश दी जा सकती है और भाग्यशाली लोगों को नई नौकरी के अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और ये समय इसका फल पाने का समय है। वित्तीय स्थिति में धन के प्रवाह की वजह से मजबूती आने की संभावना है। व्यवसायिक कामों में आपको अपनी मेहनत और कार्य क्षमता के अनुभव से नतीजे मिलेंगे, सिर्फ थोड़ा संघर्ष होगा। ऑफिस में अधिकारियों और साथियों से अच्छा सामंजस्य रखने की जरूरत है। बात करते हैं सेहत की। आपके लिए अब स्वास्थ्य संबंधित मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने मन को अपने लिए सर्वोत्तम फिटनेस कार्यक्रम निश्चिंत करने दें। आपके पास अपने सभी मनपसंद व्यंजन खाने के कई मौके आएंगे, लेकिन अब अपने खाने को लेकर काफी सावधान रहें, नहीं तो खाने का आनंद लेने के स्थान पर आप पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफों को भी न्योता दे सकते हैं। अत्यधिक थकान की वजह से भी कमजोरी और सिर दर्द रह सकती है, उचित आराम लेना भी जरूरी है। आज का उपाय, उगते हुए सूर्य को आज जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा बहुत। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।